हेलो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम जेली सर्दियों के मौसम में हर घर में प्रयोग की जाती है। पेट्रोलियम जेली जितनी ज़्यादा मॉइस्ट होती है, जितनी ज़्यादा माइल्ड होती है, इसके प्रभाव उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे स्किन पर पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली के और भी बहुत सारे प्रभाव हैं? चलिए आज जानते हैं उन सारे इस्तेमाल की जाने वाले चीज़ों के बारे में जिन्हें आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को सुंदर और रेडियंट बनाने के लिए कर सकते हैं। कई लोगों की आम समस्याएं होती हैं, जैसे कि कोहनियों का रूखापन, हाथों का फटना या फिर अपने हाथ पैरों में रूखेपन का एहसास होना। इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोग अपने चेहरे पर और अपने हाथ पैरों पर पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। लेकिन पेट्रोलियम जेली का प्रयोग यहीं पर समाप्त नहीं होता है। अगर आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा फट रही हैं तो फटी एड़ियों को अच्छे तरीके से पहले पानी से साफ कर लीजिए और उसके बाद उन पर पेट्रोलियम जेली लगाइए। रात को सोते समय ऐसा अगर आप रोज़ाना करेंगी तो यह आपकी क्रैक हील्स की दरारों को भर कर आपकी एड़ियों को सॉफ्ट बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी आँखों पर मेकअप करना है तो आप अपनी पलकों पर पेट्रोलियम जेली लगा सकती हैं मस्कारे की बजाय। ऐसा करने से आपकी पलकों में एक काफ़ी अच्छी ग्लॉस और शाइन आती है। अगर आपको मेकअप रिमूव करना है और मेकअप रिमूवर ख़त्म हो चुका है तो भी आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करके अपने मेकअप को छुड़ा सकती हैं। नाखून और नाखूनों के आसपास की स्किन अगर चमकती नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके नाखून शाइन करें तो रोज़ाना पेट्रोलियम जेली से अपने नाखूनों पर मसाज करिए। अगर होंठ फट रहे हैं, होठों पर कालापन है तो रोजाना रात को सोने से पहले होठों पर पेट्रोलियम जेली जरूर लगाइए। सो दोस्तों, देखा आपने कितने सारे फायदे हैं पेट्रोलियम जेली के, इन्हें जरूर इस्तेमाल करिए, ना केवल सर्दी में बल्कि गर्मियों में भी। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।